दोस्तों अभी यशस्वी जायसवाल को भारत के लिए उभरते सितारे के रूप में देखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के साथ खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की सारी गेंदबाजी और उसकी रणनीति को धज्जा उड़ा के रख दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने अपने करियर का पहला दौरा शतक जड़ दिया है और इसी के साथ वो अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आखिरकार इस मैच के दौरान यशस्वी जायसवाल ने कैसे विस्फोटक पारी खेले और कैसे दौरा शतक लगाया, आपको कंप्लीट हाईलाइट दिखाना जाना, साथ ही जायसवाल की उस रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन एक बेहतर खिलाड़ी, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वक्त इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों के टेस्ट सीरीज भारत में खेला जा रहा है, जिसमें से पहला मुकाबला भारत ने कुछ गलतियों की वजह से मैच को गवा दिया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने इस तरह से कहर बरपाया कि जितने भी इंग्लैंड के गेंदबाज है उनकी सारी की सारी नानी याद दिला दिया है। हालांकि इस मैच के दौरान टॉस रोहित शर्मा ने जीता था और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन इस दौरान रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल को कोई खास साथ नहीं दे पाए और महज 14 रन बनाकर आउट हो गया था। लेकिन इस मैच के दौरान यशस्वी जायसवाल तो सर पर कफन बांधकर ही उतरा था, क्योंकि देखा जाए तो पहले टेस्ट मैच हारने के बाद टीम इंडिया पर काफी प्रेशर भी बन गया था और अपने प्रेशर को हटाने के लिए उन्होंने खुद को साबित किया और क्रीज पर डटे रहे। इसके बाद जायसवाल के साथ देने के लिए आए सुमन गिल, जो कि देखा जाए तो पिछले कुछ मैचों से अपने खराब फॉर्म में जूझ रहे हैं, और इस पारी के दौरान सुमन गिल भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और जायसवाल का साथ छोड़ दिया, महज 34 रन बनाकर वो भी पवेलियन की तरफ लौटता गया। फिर यहाँ से श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल की पारी की शुरुआत होती है, जहां एक तरफ यशस्वी जायसवाल 79 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेता है और फिर अगले 62 गेंद खेलकर उन्होंने दूसरा टेस्ट शतक भी जमा लिया है। लेकिन देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल इतने में कहां खुश होने वाले थे, वो बिल्कुल दोहरे शतक की ओर बढ़ रहा था, तभी यहां से श्रेयस अय्यर का साथ छूट जाता है और केवल 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर यहां से रजत पाटीदार की एंट्री होती है और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर साझेदारी बनाती है, लेकिन वो भी कोई खास कमाल नहीं कर पाता और केवल 32 रन बनाकर आउट हो जाता है। और इसके बाद देखते हैं देखते अक्षर पटेल 27 रन और कोना श्रीकर भरत 17 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। बात करें इस मैच के पहले दिन तो टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर 336 रन बना लिए थे। पहले दिन के हीरो जायसवाल ने खेल के दूसरे दिन अपनी पारी को 179 रन से आगे बढ़ा दिया और दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 277 गेंदों में 200 रन का आंकड़ा भी छू लिया। इस दौरान उन्होंने 18 चौके और 7 छक्के लगाए हैं। भारत के लिए सुनील गावस्कर ने सिर्फ 21 साल 227 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ा था। वहीं विनोद कांबले भी गावस्कर से भी आगे हैं। कांबले ने 21 साल 32 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दोहरा शतक जड़ दिया है। अब जायसवाल भी 22 साल 37 दिन की उम्र में ऐसा कारनामा किया है और भारत के लिए सबसे कम उम्र में दोहरा शतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से दोहरा शतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल ने चौथे खिलाड़ी भी बन गए हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मयंक अग्रवाल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने दोहरा शतक जड़ा था। वहीं 4 साल बाद ये पहला मौका है जब टीम इंडिया की ओर से किसी और बल्लेबाज ने दोहरा शतक लगाया है। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो यशस्वी जायसवाल जिस तरह से क्रीज पर अपना बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह से जम गए हैं, वो बेशक इंग्लैंड के सारे गेंदबाजों की ताबड़तोड़ उसकी रणनीति को बेकार कर रहे हैं। यदि यहां से उनका साथ देने के लिए कोई भी खिलाड़ी मौजूद रहता है क्रीज पर, तो आने वाले समय में वो 13 शतक भी जड़ सकता है और भारत के लिए बेहतर से बेहतर स्कोर खड़ा भी कर सकता है। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या ये मैच भारत ही जीतेगा, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।